चलो अब लिमिट्स का ये लेक्चर फिफ्थ है, इसके क्वेश्चन समझेंगे एक बारी। छह क्वेश्चन हैं, छह क्वेश्चन से ज्यादा मिलेंगे भी, ठीक है? सैंडविच ठीक है, सैंडविच थ्योरम क्या कहती है वो चीज। बच्चे इसमें हम ये क्या निकालते क्या है कि हमारा है ना, ये क्वेश्चंस के लिए कौन से क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल, बॉक्स फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शंस के लिए ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कहलाती है इसकी, बॉक्स की, एनएक्स का बॉक्स अगर दे रखा है तो एनएक्स माइनस वन से एनएक्स तक लाई करता है, ये प्रॉपर्टी यूज होती है। एनएक्स माइनस वन से कहां तक लाई करता है, एनएक्स तक। ये समझाऊंगा कब, जब फंक्शन था ठीक है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट ऐसे करते हैं, और एनएक्स का अगर ऐसे बॉक्स है तो एनएक्स से लेके एनएक्स प्लस वन तक लाई करते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल ढंग से याद रहनी चाहिए चीज, तभी समझ आएगा सैंडविच थ्योरम इधर, ठीक है? हम तीन को सर, टोटल छह क्वेश्चन दे रखे हैं, हम ट्राई करते हैं तीन से चार क्वेश्चन करके, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? जो बॉक्स एक्स वाला है उसके अंदर एनएक्स के साथ इक्वल टू आएगा? हाँ, सब जगह इक्वल टू है, ठीक ओके सर। है? चलो अब एक बारी देख लेते हैं। अनीश जल्दी से बोलेगा, यस सर। लॉग ऑफ बॉक्स एक्स डिवाइड बाय एक्स और एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब बॉक्स एक्स की वैल्यू कहां से लाई करती है? एनएक्स माइनस वन से एनएक्स। अच्छा, एनएक्स क्या है यहाँ पे, एन वन है ना, N1। तो लॉग बॉक्स एक्स बाय एक्स की वैल्यू लाई करेगी लॉग एक्स माइनस वन बाय एक्स से लेके लॉग एक्स बाय एक्स। हाँ या ना, यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अब ये बता, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म है यहाँ दोनों लेफ्ट और राइट साइड, हाँ या ना? यस सर। तो लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और नीचे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। एल हॉस्पिटल इज एप्लीकेबल और नॉट, यस सर। तो पहले वाले का ये आया वन अपॉन एक्स माइनस वन, नीचे वन, सही यस सर। है दोनों साइड? यस अगर देखा जाए यही बनेगा ना, यस सर। सही है? वन अपॉन एक्स माइनस वन लॉग का, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन, ठीक है? एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी डालेंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन जीरो ही हो गया, और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो वन अपॉन इन्फिनिटी आ गया, तो जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा, व्हाट इज द आंसर? जीरो जीरो। हो गया। यस ये सर। दो चीजों के, ये फंक्शन जो था बीच वाला, दो चीजों के बीच में सैंडविच, दैट्स व्हाई दिस थ्योरम इज कॉल्ड अ सैंडविच। दो चीजों के बीच में बंधा हुआ ना, सैंडविच का मतलब बीच में कोई चीज बंधी हुई, सही है? बात क्लियर यस है? सर। चलो आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस डोमेन में नहीं, आंसर पूछेंगे, बट ये इस प्रॉपर्टी के लिए लग, ठीक है? जैसे अगर ये बोलोगे अनिश, ठीक है अनिश, बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा क्या दे रखा है, बॉक्स ऑफ वन स्क्वायर एक्स प्लस बॉक्स ऑफ टू स्क्वायर एक्स टिल अप टू बॉक्स ऑफ एन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एन क्यूब, सही है? यस सर। अब वन स्क्वायर एक्स का जो बॉक्स होगा तो कहां से कहां तक तो लाई करेगा? 1 स्क्वायर x-1 से लेके 1 स्क्वायर x। कहां से कहां तक? टू स्क्वायर एक्स, वही 2 स्क्वायर x-1 से लेके और 2 स्क्वायर x। ये बात समझ आ रही है ना? यस सर। क्लियर है। बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें इन सारी वैल्यूज का एडिशन है ना, यस सर।
अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ ना, वन स्क्वायर एक्स प्लस टू स्क्वायर एक्स टिल अप टू एन स्क्वायर एक्स बाय एन क्यूब लाई, इट शुड लाई बिटवीन वन स्क्वायर एक्स प्लस टू स्क्वायर एक्स टिल अप टू एन स्क्वायर एक्स माइनस एन डिवाइड बाय एन क्यूब, हाँ कि नहीं? यस सर। और शुड बी लेस देन वन स्क्वायर एक्स प्लस टू स्क्वायर एक्स टिल अप टू एन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एन क्यूब। बच्चे कोई डाउट है तो बोल दे। नो सर। अब इसके साथ आया, एक्स के साथ आया वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर टिल अप टू एन स्क्वायर माइनस एन, सही है? एन क्यूब, हाँ यस सर। ये देख लो एक बारी, बात समझ आई कि नहीं? यस सर क्लियर है। तो x के साथ क्या आया, n n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, और यहाँ पे आया x n n प्लस 1 2 n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। बात क्लियर है सर? और नीचे दोनों बार n क्यूब आएगा ना? हाँ नीचे n क्यूब, n क्यूब, ये n से एक n कट गया n स्क्वायर रह गया, ये भी एक n से एक n कट गया n स्क्वायर रह गया, सही है? यस सर। तो पहले वाले को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूं n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय n इंटू 2 प्लस 1 बाय n बाय n स्क्वायर, n स्क्वायर कट गया 1 बाय n स्क्वायर, ये बात समझ आ गई? यस सर। तो अगर इन्फिनिटी डाल दें तो x इंटू कितना आ गया 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 माइनस 0, सही है? लेफ्ट हैंड साइड x बाय 3, यस सर। ऐसी राइट हैंड साइड भी x बाय 3 आ रही, चेक कर लो, यही चीज थी ना ये चीज। तो x बाय 3 से बड़ा, x बाय 3 से छोटा, व्हाट इज द आंसर? x बाय 3। बात समझ आ गई? यस। कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है? नो सर। बच्चे इसमें ना चार छह क्वेश्चन है, टोटल छह क्वेश्चन है, सही है? यस सर। छह क्वेश्चन है ना, कितनी देर में कर सकते हो सर? इससे पहले वो वाले भी करने हैं जो भी अपने पिछला टॉपिक पढ़ा है। हाँ वो तो दोनों ही करने हैं, इसमें से छह दो क्वेश्चन ट्राई करके दे दो, एक कर दो क्या होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कर दो और एक फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ कर सकते हैं। यस सर। बस इतना कर दो काम, काफी है, ठीक है? और सारे फिर क्वेश्चन करके भेज, ठीक है ना? यस सर। चलो थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।